वाइट कुर्ता परचेज किया था, बहुत ही सुंदर। तो क्या गिटार रेडी, जो कि मैंने बहुत आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी पैनकेक्स, बनाना पैनकेक्स। इसमें ना एग्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता है, तो मुझे लगा कि हम सभी आज खा लेंगे। वैसे जनरली मंडे को हम लोग मतलब एग्स नहीं खाते हैं, मैं और सुरेश, बट बच्चों को मैं दे देती हूँ। इस वाले जो पैनकेक है उसमें मैंने एक बनाना लिया है और एक कप मिल्क में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड करके ना बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, बट मैं मॉर्निंग में ग्राइंड वगैरह करना थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि अर्थू इस टाइम पे सो हो रहा होता है। तो अभी 6:30 के अराउंड हो रहा होगा, तो तब तक मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन वगैरह करके रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है और इस आप चाहे तो थोड़ा सा व्हीट फ्लार भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है और एक स्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, वो आप अच्छे से ऐड कर दें। एक पिंच आप इसमें सॉल्ट भी यूज़ करें और आप चाहे तो इसमें शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने विनेगर भी ऐड किया है क्योंकि मैं कर्ड वगैरह कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। 2 स्पून मैंने यहाँ पर घी ऐड किया था, इसके अलावा आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। और जो ये मिल्क का जो मैंने ये मिक्सचर बनाया हुआ था ना, ये इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर दें और एक अच्छा सा पेस्ट आप बना के रख दें। जैसे बैटर, जैसे पकौड़ों का बैटर बनता है ना, बिल्कुल ये ऐसे ही बनाना होता है। तो थोड़ा सा मिल्क मुझे कम लग रहा था, तो मैंने ऊपर से मतलब हाफ कटोरी मेरा जो मिल्क है वो और इसमें लगा था। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो अच्छा सा पेस्ट बन जाता है ना, उसके बाद मैंने इसको ढक कर 15 मिनट्स के लिए मैंने रख दिया था और उसके बाद मैंने पैनकेक्स बनाए थे। तो फर्स्ट टाइम आज मैं पैनकेक्स बना रही थी और लिटरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि इतने अच्छे मैंने पैनकेक बना लिए हैं, ना केवल देखने में इनफैक्ट टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छे हो रहे थे। तो स्टार्टिंग में ना मैंने 2 ही पैनकेक इसमें तवे पे मतलब ऐड करे थे क्योंकि मुझे लगा पता नहीं अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट ये बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो गए थे। और लास्ट में डेकोरेशन के लिए आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको सिंपल भी खा सकते हैं। इसमें शुगर और सॉल्ट दोनों ही होता है ना, तो बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है, ज़्यादा मीठा भी नहीं होता ही है। इसमें आप किशमिश है या फिर जो बनानाज हैं ऊपर से आप वो भी मतलब ऐड करके रख सकते हैं। तो अथर्व को मैंने आज बिल्कुल स्वीट स्वीट सा मैंने जो टिफ़िन दिया था, सुरेश के लिए तो सब्जी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, बट अथर्व का जो टिफ़िन था आज वो बहुत ही मीठा मीठा हो रहा था। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। तो आज है मंडे और लास्ट वीक पूरे हॉलीडेज के बाद आज अथर्व का फर्स्ट डे है स्कूल का। तो आज ना मॉर्निंग में मुझे लगा कि मैं कुछ उसको स्पेशल करके बना देती हूँ, इसलिए मैंने आज पैनकेक्स बनाए थे, बनाना पैनकेक्स, और लिटरली बहुत ही टेस्टी बने। इनफैक्ट सुरेश को भी इतने अच्छे लगे ना। जनरली हम लोगों को ऐसा फैंसी ब्रेकफास्ट खाने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, हम लोग जनरली एग्स हो गया या फिर पराठे हो गया, बस यही हम लोग प्रिफर करते हैं ब्रेकफास्ट में भी, और बच्चे भी यही खाते हैं सही बताऊं तो। आज देखती हूँ अथर्व को कैसा लगता है। वैसे मैंने स्कूल में मतलब पैक कर दिया है, थोड़ा स्वीट उसका जो टिफिन था ना बहुत ही स्वीट स्वीट है, देखते हैं उसको कैसा लगता है। और अभी तो मैं अर्थू के लिए तो मैं एग्स ही बना रही हूँ क्योंकि अर्थू का यार फिर मॉर्निंग में ना एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक नहीं खाया तो फिर दूसरा बनाया इस टाइप से। तो पैनकेक्स मैं सोचती हूँ थोड़ा सा उसको बाद में दूंगी, अभी मैं उसके लिए एग्स बना रही हूँ, उसको मैं ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 9:30 हो रहा है, तो फटाफट से चलिए पहले ब्रेकफास्ट। अर्थू को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने करी पूजा। तो हमेशा ना इस बात पे हमारी बहुत ज़्यादा बहस होती है मेरे और सुरेश की कि बच्चे जो हैं वो एग्स खा के फिर पूजा के स्थान में टच करते हैं, बट क्या होता है ना यार, मेरा जो डे वाला टाइम रहता है ना ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है। अगर मैं थोड़ा सा मतलब पहले पूजा कर लूँ और बाद में ब्रेकफास्ट अर्थू को कराऊँ तो लेट हो जाती है और अर्थू मुझे प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं करने देता है। तो ना डेली ऐसा होता है कि वो एग्स खाता है और फिर पूजा के स्थान में ऐसे ही आके टच करता है। तो ठीक है यार, बच्चों के लिए मैं इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें स्ट्रिक्टली मैं फॉलो नहीं करती हूँ।
अपना ब्रेकफास्ट लेके जो भी पैनकेक्स है, बट अट्ठू को ना आज मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कराए हैं वाले पैनकेक्स में। देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत मेरे से खा लेगा तो फिर दिन में उसके लिए और ना थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, मुझे लगा था अगर अथर्व को अच्छा लगेगा तो उसके लिए मैं फिर से बना दूंगी। बट सब ना जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मतलब जो केक टाइप का जो भी चीजें बनती है ना उसको बनाने में ना मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार खराब हो जाए ना घर तो बिल्कुल भी ना फिर सही नहीं होता ना, और फिर वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है इस वजह से। बच्चों को लंच कराने के बाद मैंने बच्चों को आइसक्रीम दी थी, तो हैमवर की आइसक्रीम ना सुरेश एक दिन पहले लेकर आए थे, तो मैंने और सुरेश ने तो रात को ही खा ली थी, बट बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो इस वजह से बच्चों को नहीं दे पाए थे। और वैसे भी ना रात को मैं जनरली मतलब प्रेफर नहीं करती हूँ बच्चों को आइसक्रीम वगैरह देना, दिन में ही थोड़ा सही रहता है। तो बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम थी यार, जैसे फ्रीजर में रख के आइसक्रीम बहुत हार्ड हो जाती है ना, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी। ताजमहल फ्लेवर की थी, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह थे जो कि बहुत ही यम हो रही थी। रात को मतलब मैंने और सुरेश ने खाई थी तो बहुत अच्छी लगी, और बच्चों के लिए भी ना मतलब मुझे बहुत सही लगा फ्लेवर ना, और बहुत ही सॉफ्ट भी थी, इस वजह से अर्थ ने भी ना इजीली खा ली थी। बच्चों को ना मैंने थोड़ा बहुत लंच वगैरह करा दिया है और आइसक्रीम वगैरह भी खिला दी है, तो बच्चों का भी फुल हो गया है। मैं सोच रही इसके थोड़ा देर खेलेंगे ना, उसके बाद मैं दोनों को ही सुला दूंगी, क्योंकि अथर्व की बिना आज अबैकस की क्लास नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो ना, इन हॉलीडेज में इतनी बड़ी गलती हुई ना, मैंने ना अथर्व की जो एल्मेनेक है ना, जो स्कूल की डायरी होती है, मतलब वो देखी ही नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अभी कल ही मैंने देखा तो 26 मतलब कल अथर्व को ना व्हाइट कुर्ता पहन के जाना है स्कूल में, तो व्हाइट कुर्ता था ही नहीं मेरे पास, तो मैं कल ही परचेज करके लाई हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा कुर्ता यार, ऑनलाइन ना कभी कभी चीज़ें ना इतनी अच्छी भी नहीं मिलती ना, तो ये वाला मैंने एक व्हाइट कुर्ता परचेज किया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, और इतना ना ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला है ऑफलाइन ना, तो सही। कल ही उसको ये पहन के जाना है, और एक्टिविटी भी है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना था, तो जो मैं बना रही हूँ कल से अभी तक बना नहीं है वो। दोनों बच्चों को सुला के ना मैं तब बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा फिर डिस्टर्ब करते ना कि हो नहीं पाता काम ना। तो मैं गिटार बनाने का प्लान कर रही थी, देखती हूँ कितना बन पाता है, वैसे अगर नहीं बन पाया तो फिर मैं सोचूंगी कुछ और, कुछ छोटा सा कुछ भी बना लूंगी। तो अर्थ को सुलाने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत जो ये मेरा क्राफ्ट वर्क चल रहा था ना ये मैं कर देती हूँ। तो अथर्व को ना स्कूल में एक जो गणपति जी का जो चल रहा था बहुत दिन से, उसी का ही एक्टिविटी थी स्कूल में, मतलब विसर्जन की एक्टिविटी थी, तो इसको ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर जाना था, तो मतलब क्राफ्ट का ही बनाना था। तो मुझे लगा मैं गिटार बनाऊंगी, बट जितना ईजी ये लग रहा था ना यूट्यूब में कि मैं बना पाऊंगी, उतना ईजी था नहीं। इसका जो ये ऊपर का जो ये होता है ना, ये एक्चुअली मुझे लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मतलब जो भी चीजें घर पे थी ना, मैं तो मैंने उसी से ही काम चला लिया था, और ऊपर का जो ये मतलब जो ऊपर का इसका होता है ना गिटार का, वो इतना ज्यादा हिल रहा था ना एक्चुअली, इसको मैंने बहुत ज्यादा मतलब टाइट करने की कोशिश करी, टेप लगाए, कहीं कुछ करा, बट प्रॉपर तरीके से ना सेटल नहीं हो रहा था। बट किसी तरह चलो मुझे लगा कि यार कैसे भी करके मैं इसको करना तो है ही, क्योंकि बस अगले ही दिन मतलब अथर्व को ये लेकर जाना था स्कूल में। मैं कर रही हूँ अपना लंच आज सिंपल, मैंने सब्जी रोटी बनाई हुई है, और अथर्व ना जस्ट अभी सोया है, अर्थ थोड़ा सा पहले सो गया था। अर्थ के सोने के बाद एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत जो अथर्व का स्कूल का काम है वो किया, फिर उसके बाद मैंने अथर्व को सुलाया। तो इतना ज़्यादा शेड्यूल ना एक्चुअली अथर्व का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ना अथर्व का स्क्रीन टाइम एक्चुअली लास्ट 1 मंथ में ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। द रीज़न इज़ कि जो दिन की नैप है वो अथर्व नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और मैं सोच रही हूँ कि अब किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि दोनों का अर्थ क्या है कि वो 12:30 पे सोता है, 12 ओ क्लॉक और 12:30 पे सोता है,
और उस टाइम पे अथर्व का क्या होता है कि लंच टाइम होता है, वो स्कूल से आता है फिर खाता है आराम आराम से, तो उसको 1:30 बज जाता है। अब 1:30 बजे के बाद उसको एकदम से भी मैं नहीं सुला पाती हूँ, तो थोड़ा टाइम हो जाता है। जब तक टाइम होता है तब तक अर्थू के उठने का टाइम हो जाता है, तो यू नो दोनों को मैनेज करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक और रीज़न है कि अथर्व की जो अबैकस की क्लास है वो भी 4:30 पे होती है, तो उसको सुलाना ऐसा होता नहीं कि उसको अगर मतलब 1:30 बजे 2 बजे में सुलाऊं तो 4:00 को उठाना होता है, फिर वो क्या खाएगा एकदम से, वो कुछ खाता भी नहीं है, तो मतलब ना बिल्कुल ही क्या मैं बोलूँ, मतलब ना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अथर्व का रूटीन आजकल बहुत ज़्यादा बोलते ना ऐसे ही हो रखा है, और अर्थू की वजह से एक्चुअली ऐसा हो गया है, वरना अथर्व हमेशा ही एक नैप लेता है। और अब क्या होता है ना कि अभी अब होमवर्क भी हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर ली, खेल भी लिया, अब क्या करना है, फिर क्या होता है फिर लास्ट ऑप्शन आप टीवी खोल रहे, तो बस टीवी ही देखे जा रहे हैं। तो अथर्व एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये टीवी का ना, मैं सोच रही हूँ कि अब इसको ना दिन में एक नैप की मैं हैबिट फिर से इसको स्टार्ट करा दूँ, वरना ना इवनिंग तक ही इतना ओवर टायर्ड हो जाता है ना, और अथर्व एक्चुअली क्रैंकी होना स्टार्ट हो जाता है। बट इतने बड़े बच्चे जो होते हैं ना वो क्रैंकी ऐसे नहीं होते कि वो मतलब चिड़चिड़ करेंगे या आपकी गोदी में आएंगे, नहीं वो ऐसे, वो आपके सुनेंगे नहीं, कुछ भी आप बोलेंगे ना वो सुनेंगे नहीं। तो अथर्व का एक्चुअली जो पीरियड होता है ना इवनिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर जैसे कुछ खेल रहा है तो वो सुनता नहीं है, कुछ भी बोलो वो बिल्कुल हमारी बात को एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देता है, इस टाइप से करता है। थोड़ा सा बच्चों को ना ज़रूरी है यार नैप कराना एक्चुअली ना, एक नैप एटलीस्ट 1 घंटे की भी अगर नैप ले लेना तो बहुत बच्चे ना बहुत काम हो जाते हैं। तो देखते हैं अभी कैसे हो पाएगा। तो अथर्व का जो मैं गिटार बना रही हूँ, वैसे तो पता नहीं क्या बन रहा है, वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा है, बट ये कि चलो मुझे ना एक दिन पहले ही पता चला, एक्चुअली कल ही पता चला कि इसको स्कूल में मतलब कल ही लेकर जाना है, तो कुछ भी ढंग से नहीं हो पाया। बट जो भी चीज़ें थी घर में मैंने उसी से ही थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया है, लेट्स सी कैसा बनता है। अभी मैंने ड्राई करने रखा हुआ है, थोड़ा फेविकोल वगैरह लगाया था थोड़ा गीला गीला हो रहा था, तब तक मैं लंच कर लेती हूँ। ये हो गया गिटार रेडी, जो कि मैंने बहुत ही बोलते ना काम चलाऊ करा है बिल्कुल, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना ये तो पक्का ये टूट जाएगा। चलो यार बस हो गया, लेकिन काम इसको बस बहुत ही सेंसिटिव हो रहा था। लेकिन सही में बच्चों के उठने के बाद मैंने अथर्व को कराया, उसके पास कुछ स्कूल का होमवर्क था, बट अर्थू के सामने अथर्व को स्कूल का होमवर्क कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, अर्थू ना बिल्कुल भी नहीं मानता है, उसको बस वही बुक चाहिए होती है, वही पेंसिल चाहिए होती है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव लगता है ना ये सब चीज़ें। अगर कोई उसको दूसरी पेंसिल भी दो ना तो भी नहीं चलता है, उसको बस जो अथर्व के हाथ में पेंसिल होगी ना वही मांगता है वो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको होमवर्क कराया, और फिर इवनिंग में हम लोग थोड़ी देर नीचे चले गए थे आउटडोर टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अर्थू काफ़ी ज़्यादा आजकल इंजॉय करता है नीचे ना बहुत ही अच्छे से, और जब ऊपर आते हैं ना हम लोग तो उसको भूख भी काफ़ी अच्छी लग जाती है। तो बस वही नीचे टाइम स्पेंड करके हम लोग ऊपर आए, फिर बच्चों को मैंने डिनर वगैरह दिया। तो बस आज का व्लॉग यार मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, अगर मैं थोड़ा सा इसको लंबा करती ना तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता, इसलिए मैंने यहीं पर ही एंड कर दिया था व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।